भ्रमात्मक विज्ञापन मामलें जोगगुरु स्वामी रामदेव बाबा आश्वस्ति मिली अदालत अवमानना मामला बंद करते सुप्रीमकोर्ट बाबा स्वामी रामदेव एवं आचार्य बालकृष्ण क्षमा प्रार्थना स्वीकार करते सुप्रीमकोर्ट जो क्षमा प्रार्थना से भविष्य में भ्रमात्मक विज्ञापन न देवाक प्रतिश्रुति एथपाई अदालत अवमानना संपर्कित केस को बंद कर सुप्रीमकोर्ट जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहटा खंडपीठ यह राय शुणाई वर्तमान औषध को बाबा रामदेव एवं पतंजलि मंतव्य विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पक्षर होता मामलार शुणाणी करते सुप्रीमकोर्ट 2022 अभियोग दर्शाई जे पतंजलि विज्ञापन किसी चमत्कार निदान नहीं मिथ्या प्रतिश्रुति दी जाएगी। आईएमए पक्षर कहुता जे यह विज्ञापन ड्रग्स एंड कस्मेटिक आईन 1954 नियम उल्लंघन करुच्छे। यह मामलें सुप्रीमकोर्ट में एकाधिक शुणाणी होता जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।